ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शीट नंबर 6 हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किया था। हमने ये किया था कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी चार्ज क्यू की वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ आर का फॉर्मूला 1/4πε0Q/r। तो ये डिस्कस किया था जिसमें अगर ये क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो 1/4πε0Q/r, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0Q1Q2/r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तीसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो मैं ये ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है और सपोज ये सी पॉइंट है, तो अगर मान लो किसी भी चार्ज क्यू नॉट को उठा के सी से बी पे रखना है और ये क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज बी पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी लगाएगा, क्यू चार्ज सी पर पोटेंशियल वी सी लगाएगा, और जिस चार्ज को मूव करवा रहे हैं वो कभी भी पोटेंशियल लगाएगा, वो एक टेस्ट चार्ज है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ क्यू नॉट, क्यू नॉट चार्ज को उठा के रखा, तो कितना काम करना पड़ा हमें क्यू नॉट चार्ज को रखने के लिए, कहाँ से कहाँ, क्योंकि चार्ज सी से बी है तो ये मेरी फाइनल पोजीशन है और ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो अगर मैं वी बी और वी सी की वैल्यू बता दूँ तो इन्हें माइनस करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस को या तो ऐसे लिखते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना, फाइनल एंड इनिशियल, या फिर ऐसे लिखते हैं वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू नॉट दो, या ऐसे लिखते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वेयर आर का मतलब ये कौन सी लिमिट है, इनिशियल है, और ये कौन सी लिमिट है, फाइनल है। सिखाया था इंटीग्रेशन की लिमिट में इनिशियल एंड फाइनल, और पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनल एंड इनिशियल, ये रूल याद रखना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक और चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस की ये जो डेफिनेशन है इसमें बेसिकली हो क्या रहे, लेंथ वाइज इंटीग्रेशन, लेंथ वाइज इंटीग्रेशन ऑफ, किसकी इंटीग्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और आगे साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ लेंथ वाइज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा भी बोला जाता है। तो नेगेटिव ऑफ लेंथ वाइज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, या शॉर्ट फॉर्म लेंथ वाइज इंटीग्रेशन को बोलते हैं लाइन इंटेग्रल, लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेगेटिव ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक ही बात है, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट या किताब लिख दे कि व्हाट इज लाइन ऑफ नेगेटिव या नेगेटिव ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, इसके नाम क्या होंगे और कैसे इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके कैसे जो लाइन इंटीग्रल या लेंथ वाइज इंटीग्रेशन का मतलब क्या है इसमें, ठीक ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो कुछ शीट्स थी सब्जेक्टिव, कितने लोगों ने ट्राई की दोनों शीट्स, ठीक है आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगली बार इसका शॉर्ट टेस्ट है, जितना भी काम हुआ प्लस इन शीट्स में से तीन तीन क्वेश्चन आने हैं, आपके पोटेंशियल की शीट में से तीन क्वेश्चन दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी में से तीन क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से आज प्रैक्टिस कर लें और देख लें, ना समझ में आए आज की आज पूछ लें, कम पढ़ना पड़ेगा, अभी सीख लेंगे कम पढ़ना पड़ेगा, जो घर जाके तो दिमाग लगाओगे ही और समय तो कुछ करोगे ही, क्योंकि आज होमवर्क कोई नहीं है, मेरा कोर्स इतना पढ़ नहीं पाया कि मैं ऑब्जेक्टिव शीट का होमवर्क दे सकूँ, इसलिए आज मैं सिर्फ यही करवाऊंगा और इसका टेस्ट साथ के साथ क्लोज कर दूंगा, फिर सैटरडे कौन वेट करेगा, साथ के साथ क्लोज करते हैं, ठीक। अभी कल परसों क्लास के बाद जो आज होगा बस उसमें से पूछ लूँगा, ठीक है, बता के कह रहा हूँ, आप कर लो सीख लो, कम पढ़ना पड़ेगा बोल तो रहा हूँ, ये देखो आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा A to Z, जितने 22 के 22 करके दिखाऊंगा, क्या टेंशन है। देखो द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 6 जूल। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, जो चार्ज मूव करवाया जाता है वो नीचे होता है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम की वैल्यू कितनी है, 6 जूल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ।
तो वर्क डन की वैल्यू कितनी है? 6 जूल 3 कूलम. तो आंसर 2 जूल पर कूलम इज द आंसर. क्या ये पॉइंट क्लियर है? और जूल पर कूलम को वोल्ट भी बोला जाता है. कोई डाउट इसमें? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया या पोटेंशियल हो गया. नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.9 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज गिवन. तो कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, 0.9 मीटर दूर आपको पोटेंशियल की वैल्यू कितनी गिवन है? 50. पोटेंशियल का फॉर्मूला इस चार्ज की वजह से होगा क्या? 1/4πε0Q/0.9. इसकी वैल्यू कितनी है? 50. सॉल्व करके Q की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज ही लगा सकता है. तो चार्ज का साइन पॉजिटिव है. क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इसका आंसर देना है? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज गिवन. तो ई की वैल्यू हमें गिवन है 20 न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है कितनी? 10 जूल पर कूलम. डिस्टेंस निकालना है चार्ज का और चार्ज की वैल्यू निकालनी है. तो वो कह रहे हैं क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पर ई की वैल्यू 1/4πε0Q/r² है, और आपको ई की वैल्यू गिवन है कितनी? 20. तो 20 इज 1/4πε0 Q/r² है, और यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 Q/r. V की वैल्यू भी कितनी गिवन है? 10. तो 10 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r. इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, Q से Q कैंसिल, R आ जाएगा. R आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके Q की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा. वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आ गई. नेक्स्ट है, टू पॉइंट्स ए एंड बी आर लोकेटेड डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज +2 μC. ये लो, डायमेट्रिकली ये है, एक ये चार्ज है और ये रहा. तो दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर पे और 1 मीटर पे. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी का. ये चार्ज यहां पर पोटेंशियल लगाएगा 1/4πε0 2×10⁻⁶/2, और बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल लगाएगा 1/4πε0 2×10⁻⁶ / 1. क्या निकालना है आपको? Va-Vb. Va निकाल चुके हो, Vb निकाल चुके हो, दोनों को माइनस करके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? एनसीईआरटी की शीट्स हैं दोनों, आपके स्कूल लेवल में, बोर्ड लेवल में ऐसा कुछ आता है, बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं वो. ठीक, तो इसमें फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5. हॉलो मेटल स्फीयर इज चार्ज्ड विद इतने कूलम एंड हैज अ रेडियस ऑफ 0.1 मीटर. ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का तो करवाया. हाँ, वो तुक्का भिड़ गया, बात अलग है, क्योंकि शेल का फॉर्मूला भी सेम होता है, 1/4πε0Q/r होता है. पर लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला अभी लगाने से रोक रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमने ई को सीखा, पहले पॉइंट चार्ज पे, फिर रिंग पे, फिर डिस्क पे, फिर लाइन चार्ज पे, फिर शेल पे, फिर सॉलिड स्फीयर पे. अब हम अभी काम किस पे कर रहे हैं? वी का, पॉइंट चार्ज पे. नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा लाइन चार्ज, फिर आएगी रिंग, फिर आएगा डिस्क, फिर आएगा शेल, फिर आएगा सॉलिड स्फीयर. सेम सीक्वेंस रिपीट होगा. तो क्योंकि शेल का अलग कॉन्सेप्ट है, तो मैं इस क्वेश्चन को अभी रोक रहा हूँ. चाहे आपका फॉर्मूला आ गया गलती से, कोई बात नहीं, पर लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है. तो शेल का मतलब एक स्फीयर जिसका रेडियस है. तो हम पॉइंट चार्ज पे काम करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं. तो शेल वाले प्रॉब्लम बाद में अपने आप हो जाएंगे जब मैं शेल के एग्जाम्पल्स करवाऊंगा. नेक्स्ट, पॉइंट चार्ज ऑफ 10 और 20 आर प्लेस 2 सेंटीमीटर अपार्ट. तो 10×10⁻⁶ कूलम है एंड 20×10⁻⁶ कूलम है, और ये कितने सेंटीमीटर अपार्ट है? 0.2 मीटर अपार्ट है. ऐसे फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, क्या होगा? जहाँ पोटेंशियल निकालना है +1, तो ये चार्ज यहाँ पर क्या पोटेंशियल लगाएगा?
वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई, ये आधा डिस्टेंस कितना है 0.01 और आधा कितना है 0.01 ऐसे, और दूसरा वाला क्या लगाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.01 आंसर। तो दोनों चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल लगाएंगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू को आप इस और इस चार्ज के लिए ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। तो दो, एक चार्ज ने पोटेंशियल लगाया, दूसरे पे भी पोटेंशियल लगाया, दोनों को आपने ऐड कर लिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में टू पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस टू क्यू डी डिस्टेंस अपार्ट है, फाइंड लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज क्यू, कह रहे क्यू पॉइंट से, बोलो वो लोकेशन कहाँ होगी जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी जीरो, नेट पोटेंशियल जीरो है। मान लो वो एक्स पोजिशन है, तो ये बची हुई कितनी है डी माइनस एक्स, तो क्यू चार्ज यहां पर क्या पोटेंशियल लगाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स, और ये माइनस टू क्यू चार्ज क्या लगाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स, और नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी जीरो। तो यहां से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, लेफ्ट का पोटेंशियल लगाओ, राइट का पोटेंशियल लगाओ, नेट पोटेंशियल लो, ऐड करो और इक्वल टू जीरो पुट कर दो। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है? चेक किया, डी बाई थ्री आ रहा है, कर लो सॉल्व, सॉल्व करना, इक्वल टू जीरो करना, एक्स निकालना क्या आ रहा है देखना, एक मिनट कर लो सॉल्व, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखी हुई है, डी बाई थ्री आ रहा है इसमें भी, फिर देख लो दोबारा कर ले यार, करना जरा सॉल्व, कर ही लो। ठीक है, हो गया, फैसला हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो दो चार्जेस हैं 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 और दूसरा माइनस 400 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 30 सेंटीमीटर अपार्ट है ये लोग। फाइंड पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, सेम क्वेश्चन है, जीरो पोटेंशियल का मतलब एक ऐसा पॉइंट ढूंढें जहां पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है जीरो, फिर से जीरो करना है। तो एक काम करते हैं, ये चार्ज कितना पोटेंशियल लगाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाय एक्स लगाएगा, और ये कितना लगाएगा माइनस 400 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.30 माइनस एक्स लगाएगा, और इक्वल टू क्या होगा जीरो। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है, एक चार्ज कहां ये पड़ा हुआ है, क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, ए और बी का डिस्टेंस भी आपको गिवन है, क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस वी ए और वी बी। एक काम करो, क्यू चार्ज यहाँ पोटेंशियल लगाएगा वी ए, क्यू चार्ज यहाँ पोटेंशियल लगाएगा वी बी, जो भी आंसर आएगा यहाँ पुट करके वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहाँ तक। उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, ये क्यू चार्ज है यहाँ पोटेंशियल लगाएगा वी बी, ये क्यू चार्ज यहाँ पोटेंशियल लगाएगा वी ए, वी ए माइनस वी बी कैन बी कैलकुलेटेड। सेम, दोनों फिगर में सेम कॉन्सेप्ट है। तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे लगेगा? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th है, टू स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस ए, नहीं करूंगा, स्फेयर जिनका रेडियस ए है वो शेल है, चाहे आपका आंसर आ गया कोई बात नहीं, आने दो। ठीक, तो कह ये सिर्फ क्योंकि फॉर्मूला सेम है, इसलिए कल को शेल अगर बिगड़ गए तो कंसेंट्रिक शेल आ गए, ये सारे फेल हो जाएंगे। बोलो, मैंने करना ही नहीं, मैंने स्फेयर विद रेडियस ए करना ही नहीं, और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, देखो आज मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लेता हूँ, चलो जी फॉर्मूला लग जाता है, फिर कल को आप वही फॉर्मूले कहोगे दो लेक्चर के बाद, सर वो लगा था तो इसमें भी लगाओ,
फिर मैं कहूँगा यार यहाँ नहीं चलेगा, फिर तुम कहोगे वहाँ कैसे चला, तो मैंने स्फेयर और शेल को छेड़ना ही नहीं। तो जब मैं शेल करवाऊँगा पूरा लेक्चर ही शेल का होगा, मतलब आप ये लगाओ कि पूरा लेक्चर में शेल ही शेल कर दूंगा, इतने शेल कर दूंगा आप संभाले नहीं जाएंगे, ठीक है बात ही खत्म हो गई, मतलब पूरी दुनिया के शेल इकट्ठे करवा दूंगा, खत्म हो गई, ठीक हो गया, ठीक है रैप बना लेना इसका। नेक्स्ट है 11th, तो दी साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी गिवन है, ये हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था, पॉइंट चार्ज आपको इसमें गिवन है और एक चार्ज है कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वर्टेक्स ए एंड सी पे निकालो, ठीक है पहले ए पे पोटेंशियल निकालो बोल रहे हैं। देखो ए पे पोटेंशियल एक तो ये लगाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये माइनस क्या लगाएगा ए पे पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -5 × 10^-6 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है 0.05। फिर ये 2 कूलम भी लगाएगा ए पे पोटेंशियल, कितना लगाएगा 2 × 10^-6 डिवाइडेड बाई 0.15, ये क्या आ गया ये वी आ जाएगा, वी ए की वैल्यू आ गई, जो पड़ोस के चार्ज है दोनों मिलके वहां पे वी लगा रहे हैं। फिर एक काम करते हैं सी पॉइंट के ऊपर भी वी आएगा, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 कूलम, क्या लगाएगा 2 कूलम, इतना ये वी लगाएगा, और -5 कूलम कितना लगाएगा, -5 × 10^-6 डिवाइडेड बाय 0.15, ये लो, तो वी सी की वैल्यू आ गई और ऐसे ये वी ए की वैल्यू आ गई। अब आप ये तो एक आंसर आ गया, फिर क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं 3 कूलम चार्ज को उठा के लेके आना है ए से सी, ये इंपॉर्टेंट है कहाँ से लेके आना है ए से सी, तो ये कौन सी पोजीशन है फाइनल, ये क्या पोजीशन है इनिशियल, तो वर्क डन कितने चार्ज को उठा के लेके आना है 3 × 10^-6 इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल, तो वी सी और वी ए की वैल्यू पता है, यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की, समझ में आ रहा है यहां तक, आना है ये पेपर में बता रहा हूं आपको, देख लो वी ए निकालना वी सी निकालना, वर्क डन अपॉन चार्ज निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वी सी और वी ए की वैल्यू पुट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क डन की वैल्यू निकालना, समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है, कोई डाउट इसमें हो जाएगा, आसान है पोटेंशियल फिलहाल यार अभी पॉइंट चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आसान ही था, वो तो फ्लक्स ने गड़बड़ की है, पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज तो ठीक ही है, एक फॉर्मूला ही तो है, आज का लेक्चर पॉइंट चार्ज, रिलैक्स करो आज का दिन तो बढ़िया निकलेगा, ठीक है अगली बार देखेंगे, ठीक है वैसे इतनी टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बेटर है पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल की डेरिवेशंस सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए सिर्फ रिजल्ट है, तो आपका वो सारा पोर्शन जो आपने 15 दिन लगाया फ्लक्स का प्रूफ करने में, रिंग का, लाइन चार्ज का, फिर आर्क का, पता नहीं क्या कुछ, वी में सिर्फ फॉर्मूले नोट करना है बस, हो गया एक लेक्चर में क्लोज हो जाएगा सारा, अच्छा हो गया, प्रूफ तो है नहीं, सिर्फ आपको रिजल्ट याद करने हैं उसमें, जो पेपर में फाइनल पे परसों को पॉइंट चार्ज है, ये शीट्स हैं परसों का, ये टेस्ट है जो चल रहा है, मैं टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है तभी तो एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कि कोई रह ना जाए, कोई ये ना कहे कि यार हमें तो पता ही नहीं लगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना था, सर ने डाउट ले लिए थे, मैं डाउट नहीं ले रहा, मैं आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कर करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट चार्जेस जिसकी वैल्यू गिवन है कितनी, ये ए और बी कॉर्नर पे पड़े हुए हैं, तो ए पे चार्ज क्या है 2 × 10^-6 कूलम, बी पे चार्ज क्या है, बी पे चार्ज है 1 × 10^-6 कूलम, तो ये डिस्टेंस गिवन है, हाउ मच वर्क विल बी डन, इतने चार्ज को उठा के सी से डी पे लेके आना है, तो देखो ना सी से डी पे लेके जाना है, तो ये पोजीशन क्या है फाइनल, ये पोजीशन क्या है इनिशियल, तो बोलो क्या लिखेंगे, वर्क डन कितने चार्ज को लेके जाना है 1 × 10^-6 को, कहां से कहां सी से डी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो अगर मैं आपको वी डी और वी सी की वैल्यू बताऊं तो आंसर आएगा, अब वी ऑफ डी की वैल्यू क्या होगी, वी डी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक डी पॉइंट का पोटेंशियल, ये चार्ज यहां पे पोटेंशियल लगाएगा 2 × 10^-6 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है 5, ये लो ये पोटेंशियल लगाएगा, और ऐसी ये वाला चार्ज यहां पे पोटेंशियल लगाएगा कितना
ये तो पाइथागोरस से निकालनी पड़ेगी साइड, रेक्टेंगल है तो कितना 1 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस निकालोगे पुट कर देना यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर ऐसी पोटेंशियल डी पे और ऐसी पोटेंशियल सी पे भी निकलेगा। सी पे एक पोटेंशियल तो ये लगाएगा 1/4 πε₀ 1 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.05, और एक पोटेंशियल क्या लगाएगा, ये लगाएगा, कितना लगाएगा 2 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय, इसकी भी सेम सिचुएशन है, क्या निकालना पड़ेगा ए। वी सी वी डी निकाल के यहां पुट करके वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। मेथड समझ में आ रहे हैं यहां तक? ए तो निकाल लोगे, डायगनल तो निकाल ही लोगे रेक्टेंगल का, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहे हैं यहां तक? +1 से तो कहीं इजी है, +1 में तो वर्क डन की पावर में तो कुछ लेवल ही कुछ और हो जाते थे, रोटेशनल अल्फा बार में, उससे तो ठीक है, मतलब ये इतना तो है कि घर जाके पढ़ेंगे कुछ समझ तो आ ही जाएगा, है ना। उसमें तो यही समझ आता है कि एनर्जी बीच में कैसे रहती है, मतलब बैठे बैठे मोमेंटम कंजर्वेशन और फिर एनर्जी कंजर्वेशन, फिर टीचर कहते हैं पता लगा, बच्चा कहता है हाँ कुछ लग तो रहा है पर लगता नहीं हमसे यार कि होगा कि नहीं होगा, मुश्किल कॉन्सेप्ट है यार, है ना। इसमें पता तो है कि क्यू गिवन है और वी निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल निकालना है एट सेंटर ऑफ ए बी सी डी ऑफ साइड √2, ये √2, ये √2, ये √2 और ये √2, पोटेंशियल निकालना है सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे निकालना है और साइड √2 मीटर है और चार्ज कितना पड़ा हुआ है 2 × 10⁻⁶ -2 × 10 की पावर -6 -3 × 10 की पावर -6 एंड 6 × 10 की पावर -6। तो ये डायगनल क्या होगा, √2 ए बाय √2 होता है ना डायगनल, हाफ डायगनल ए बाय √2, तो ये ए है बाय √2, तो कितना आएगा 1, साइड 1 है, तो पोटेंशियल चार चार्ज की वजह से निकल जाएगा। पोटेंशियल की वैल्यू इस चार्ज की 1/4 πε₀ दिस बाय 1, दिस बाय 1, दिस बाय 1 एंड दिस बाय 1, ऐड कर लेना आंसर आ जाएगा। तो चारों चार्जेस का पोटेंशियल लगा के ऐड करके आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे नहीं पता असाइनमेंट आपने कैसी की, कितने टाइम में की, कितने घंटे का काम दिया, तो आपके सामने ही है ये, कर दो असाइनमेंट्स करने के बाद भी मैं अभी 10 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, चिंता ना करो, ठीक। तो इतना कंटेंट हो जाएगा कि एक ही लेक्चर में 30 क्वेश्चन में से यार 10 तो रिटेन करोगे कम से कम, कुछ तो आइडिया समझ में आएगा कि करना क्या है इसमें, है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट है 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके कुछ चार्जेस हैं, ये कॉर्नर पे पड़े हुए हैं बी सी और डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो चार्ज की वैल्यू कहाँ कितनी है? चार्ज की वैल्यू है 1 × 10 की पावर -11 कूलम, चार्ज की वैल्यू है -2 × 10 की पावर -11 कूलम, चार्ज की वैल्यू है कितनी 1 × 10 की पावर -11 कूलम। तो आपको डिस्टेंसेज भी गिवन है, ए बी की वैल्यू 0.04 मीटर गिवन है, बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है 0.03 मीटर गिवन है, क्या निकालना है? फाइंड पोटेंशियल एट कॉर्नर ए, तो ए पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे कौन लगाएगा, ये लगाएगा, तो इसकी दूरी क्या है, तो v की वैल्यू यहां पर क्या आएगी ए पॉइंट पे 1/4 πε₀ 1 × 10 की पावर -11 डिवाइडेड बाय 0.03 प्लस ये चार्ज भी लगाएगा। अब ये चार्ज में दूरी क्या हो जाएगी 0.05 पाइथागोरस, तो -2 × 10 की पावर -11 0.05, फिर ऐसे ये चार्ज भी लगाएगा 1 × 10 की पावर -11 डिवाइडेड बाय 0.04 इज दी आंसर, इन्हें ऐड करेंगे आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो VA की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है 15th में, ABCD स्क्वायर की साइड्स हैं और चार्ज, ये तीन चार्ज गिवन है ABC के ऊपर, तो ट्रांसफर करना है इस चार्ज को हम D टू द सेंटर O, ये देखो ये एक स्क्वायर बना लेना, इसमें ये ए लिखना, ये बी, ये सी और ये डी, साइड स्क्वायर की 0.2 मीटर है, तो चार्ज को ए पे रखा गया 2 × 10⁻⁹ −9 कूलम,
बी पे 4 × 10 की पावर -9 कूलम और 8 × 10 की पावर -9 कूलम, ऐसे ए बी सी पे वर्क निकालना है। एक चार्ज है 2 × 10 की पावर -9, ये टेस्ट चार्ज है, इसको उठा के हमने कहाँ पे रखना है, डी से ओ पे रखना है, सेंटर पे। तो ये क्या है, फाइनल, ये क्या पॉइंट है, इनिशियल। तो वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज कितना, 2 × 10 की पावर -9 इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इनिशियल में कौन है, डी है, फाइनल में कौन है, ओ है, वी ओ निकाल लेना। डी पॉइंट पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, ये तीन चार्ज लगाएंगे, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल। फिर ओ पे कौन लगाएगा, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, वी ओ आएगा, वी डी आएगा, पुट करके वर्क डन की वैल्यू आएगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ये कैसे करना है इसमें, ठीक है, ठीक हो जाएगा। देखो पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे ना, डी पे तीन पड़ोस के, ये नहीं पोटेंशियल लगाएगा, जो मूव कर रहा है वो नहीं लगाएगा, बाकी तीन लगाएंगे ऐसी, बाकी तीन इस पे लगाएंगे, ये नहीं लगाएगा। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये चार्जेस हैं और ये कहाँ पर पड़े हुए हैं, स्क्वायर के वर्टिस पे, व्हाट चार्ज में भी प्लेस वर्ट फोर्थ। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, चार चार्ज हैं स्क्वायर में की साइड ए ले लें, तो 6 × 10 की पावर -9 कूलम, नैनो कूलम है ना, तो 12 × 10 रेज टू पावर -9 कूलम और कितना 24 × 10 की पावर -9 कूलम। तो कह रहे हैं बताओ चौथा चार्ज यहां पर क्या होगा ताकि सेंटर के ऊपर टोटल पोटेंशियल क्या आ जाए, जीरो। तो तुम कर लेना, ये डिस्टेंस क्या है, ए बाय रूट टू, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो ये चार्ज लगाएगा, दिस डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू। फिर अगला चार्ज क्या लगाएगा, अगला चार्ज भी ए बाय रूट टू। फिर नेक्स्ट चार्ज क्या लगाएगा, इसका डिस्टेंस भी सेंटर से कितना है, ए बाय रूट टू। और लास्ट चार्ज क्यू का डिस्टेंस भी क्या है, ए बाय रूट टू, और नेट पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, टू चार्जेस 2 × 10 रेज टू पावर -7 कूलम, सेपरेशन ऑफ कितना 2 × 10 की पावर -7 कूलम 20 सेंटीमीटर दूर है। तीसरा चार्ज बिल्कुल सेम वैल्यू को यहां रखा और वो मूव किया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ दी चार्जेस, ये क्या बात बनी, ये कैसे हो सकता है। हाँ ऐसे, तो ऐसा करना पड़ेगा, ये दो चार्जेस तो ऐसे हैं ही हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस 0.10 मीटर, 0.10 मीटर है ही है, ठीक 20 हो गया। तो आपको वो कह रहा है दोनों चार्जेस से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये देखो दोनों चार्ज से डिस्टेंस ये रहा, कितना 2 × 10 की पावर -7, ऐसे ये डायग्राम ऐसा बनेगा। तो अगर आप वाई एक्सिस पे लेके जाएंगे तो बनेगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो इसके अंदर हाउ मच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इसको करने के ना दो तरीके हैं क्वेश्चन को, पहला तरीका जिसमें लाइट इसके अंदर दो तरीके हैं, पहला तरीका ये है कि आप इसमें ये एक पॉइंट लें, मान लो सी पॉइंट है, ये पॉइंट लें, मान लो इसका नाम डी पॉइंट है। ध्यान से देख लो, आपने एक चार्ज को, इस चार्ज को उठा के यहां से यहां रखा है, तो ये कौन सी पोजीशन है इसकी,
इनिशियल, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, फाइनल। तो वर्क डन निकालना है, कितने चार्ज को उठा के रखा, 2 × 10⁻¹⁷। सी से डी पे रखा तो क्या लिखेंगे, वी डी माइनस वी सी, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी डी माइनस वी सी। तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, एक तो ये लगाएगा, एक ये भी लगाएगा, तो डी पॉइंट का पोटेंशियल होगा 1/4 πε0, 2 × 10⁻¹⁷ डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना है, 0.20, और इतना ही पोटेंशियल यहां से भी लगेगा, ये नहीं लगाएगा इस चार्ज को तो मूव करवाया, ये नहीं लगाएगा, फिक्स चार्ज लगाएंगे तो ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, VD की वैल्यू आ गई, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर C पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेना, C पॉइंट पे ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, 1/4 πε0 डिवाइडेड बाय 0.10 × 2। इस VC VD को यहां पुट करके वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब आपने एक चार्ज को यहां से यहां पे रख दिया तो आपको वर्क डन निकालना है, तो कितने चार्ज को रखा, इतने चार्ज को रखा, तो वर्क डन अपॉन दिस चार्ज इस पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि आपने सी से डी पे रखा तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, वी डी माइनस वी सी। तो आप डी पॉइंट का पोटेंशियल इन दो की वजह से निकालो, सी पॉइंट का पोटेंशियल दो की वजह से निकालो, और दोनों को यहां पर पुट करके आंसर आएगा। ये पहला तरीका है, क्या ये पहला तरीका समझ में आ रहा है सबको। मेरे पास इसको सॉल्व करने का एक और भी आसान तरीका है, इतना करने की जरूरत नहीं है, छोटा तरीका है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली आप पसंद करोगे कि वही बता दो मुझे, ये तो है ही है। दूसरा तरीका ये है, इनिशियल कॉन्फिगरेशन इनकी ऐसी थी, 2 × 10⁻¹⁷ कूलम, 2 × 10⁻¹⁷ कूलम एंड 2 × 10⁻¹⁷ कूलम, ये डिस्टेंस आपको पता है, ठीक। फाइनल कॉन्फिगरेशन इनकी ऐसी हो गई, 2 × 10⁻¹⁷ कूलम, 2 × 10⁻¹⁷ कूलम, 0.20 मीटर है ये, ये भी और ये भी 0.20 है, 0.20 है, और यहाँ पर फाइनल 2 × 10⁻¹⁷ कूलम। ये आप कुछ ना करो यार, आप इनिशियल एनर्जी निकाल दो सिस्टम की, क्या थी एनर्जी, कैसे निकलेगी, 1/4 πε0 इसकी, इसकी और इसकी, तीन पेयर एनर्जी सिखाई थी, निकाल लो। फिर आप इसकी निकाल लो फाइनल, कैसे, इसकी इसकी और इसकी ऐड कर दो, वर्क डन इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, यूएफ माइनस यूआई एक लाइन में डन, क्लोज, आंसर आ जाएगा। ये ज्यादा सही लग रहा है, आप करके देख लो, यूएफ माइनस यूआई, क्यों, हाँ भी प्लस प्लस ने उसको भगाया, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव वर्क डन कर सकता है, करेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट अगर ले जाएगा चार्ज को, हाँ होता है, नेगेटिव होता है, होता है, नेगेटिव आएगा। जब आपने पहला मेथड यूज किया था तो आप चार्ज को यहां से यहां लेके गए थे, है ना, चार्ज को यहां से यहां लेके गए, जब यहां से यहां लेके गए तो यहां का पोटेंशियल जो था VC वो ज्यादा था, VD कम था, दूर हो गया ना ये डिस्टेंस, चेक करो, तो वर्क डन की वैल्यू VD माइनस VC थी जो नेगेटिव है आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, लेकिन वो एक्सटर्नल वर्क डन, ऐसे ही बोल रहे हो, वो एक्सटर्नल वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, हाँ पॉजिटिव आएगा, इसमें प्लस आना चाहिए मेरे को भी लगता है। और क्या बोला, समझ में आया, अच्छा ऐसे समझो, आप यूएफ निकाल लो, आप यूआई निकाल लो, दोनों को माइनस कर लो, दोनों को माइनस करके, या पहला मेथड यूज कर लो, वर्क डन अपॉन चार्ज जो मैंने करवाया था, तो वर्क डन अपॉन चार्ज में जो मेथड मैंने करवाया था वो कुछ उसके अंदर क्या हुआ था, वर्क डन बाय चार्ज में मैंने चार्ज को डी से सी पे रखा था, यही था ना लॉजिक, और मैंने क्या कहा था, वर्क डन बाय 2 × 10⁻⁷ = 2, ये मेरा फाइनल पॉइंट था, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो यहां पर डायग्राम में क्या होगा, वी सी माइनस वी डी, यही पॉइंट था। जब आपने वी सी निकाला था, VC के फॉर्मूले में डिस्टेंसेस यूज हो रहे हैं 20 सेंटीमीटर, VC के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में डिस्टेंस यूज कर रहे हैं 10, तो VD चेक करो बड़ा आएगा, VC छोटा आएगा, है ना, डिनोमिनेटर छोटा है ना,
तो वी डी की वैल्यू इसमें बड़ी आएगी, वी सी के लिए छोटी आएगी, तो ओवरऑल वर्कडन क्या आएगा? नेगेटिव, है ना? तो सॉल्व करके आंसर नेगेटिव आ रहा है. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो डेफिनेशन ऑफ एनर्जी है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वर्कडन किसका होता है? एक्सटर्नल. डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में वर्कडन किसका होता है? एक्सटर्नल. तो मेरा एक्सटर्नल का वर्कडन सॉल्व करके ना ये आ रहा है, मेरा एक्सटर्नल का वर्कडन सॉल्व करके ये आ रहा है, ये अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, ठीक है, ये आ रहा है. बट उसने पूछा वर्कडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक. हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्कडन एक्सटर्नल के वर्कडन से उल्टा होगा, तो मुझे एंड में साइन क्या पुट करना पड़ेगा? पॉजिटिव. गलत है आंसर, बुक में पॉजिटिव करना पड़ेगा. अगर वो अकेला से ना वर्कडन पूछता, मेरा आंसर नेगेटिव होता. अगर वो वर्कडन पूछता तो वर्कडन तो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल ही होता है, वो तो बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकली ही नेगेटिव आ रहा है. तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये वर्कडन इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं है, ये वर्कडन तो मेरा है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी में वर्कडन एक्सटर्नल का होते हैं. पर उसने एंड में पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वर्कडन इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सटर्नल के साथ नेगेटिव का फर्क होता है, तो यहां पर पॉजिटिव ही पुट करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा. बोलो. हाँ देखो, इस करना पड़ेगा. उसने एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जितने भी क्वेश्चन किए उस सब में वर्कडन ही पूछा है, तो मैंने ये माइनस का चक्कर डाला ही नहीं, क्योंकि वर्कडन तो एक्सटर्नल ही होता है हमेशा, ठीक है. लेकिन उसने इसमें पूछा वर्कडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्पेशल पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो साइन को उल्टा करना पड़ेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा. किताब जरूरी नहीं कि ठीक होगी, किताब भी गलत हो सकती है, ठीक. पर मेरा रूल टेस्टेड है, मेरी बात मानो, ऑब्जेक्टिव में करके देख लेना. जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेगा, साइन नेगेटिव करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली हम अपनी कैलकुलेशन एक्सटर्नल में ही करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कभी कभी, मैं तो हैरान हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछा कैसे, ठीक. नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉर्मली पूछे नहीं जाते, नॉर्मली वर्कडन ही पूछे जाते हैं. पर अगर से मेंशन कर दिया तो फिर मुझे करना पड़ेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मुझे इसमें, ठीक है. और वैसे भी चलो थ्योरेटिकल अगर सोचें, मैंने चार्ज को यहाँ रखा, हल्का सा हिलाया, फिर मेरे को तो काम ही नहीं करना पड़ा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक उठा के बाहर फेंक दिया इसे, तो मेरा क्या वर्कडन है? मेरा तो वर्कडन हुआ ही नहीं ना. तो यानी कि वर्कडन इलेक्ट्रोस्टैटिक का पॉजिटिव माना जाएगा, नेगेटिव क्यों होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, है ना, तो पॉजिटिव ही होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्कडन. अगेंस्ट तो कुछ काम हो नहीं रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक में. वैसे मैथमेटिकल वाला तरीका ज्यादा बेटर है, तुम एक्सटर्नल निकालते जाओ, एंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक को माइनस पुट कर देना, बात खत्म. नेक्स्ट नहीं करूंगा, क्योंकि स्फीयर विद रेडियस गिवन है, छोड़ दो इसको नहीं करना. आ गया आंसर, कोई बात नहीं. नेक्स्ट जो शीट है, एनर्जी की शीट है. तो एनर्जी की शीट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी,